हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेज लाइन की ये फ्लूट फाउंडेशन का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और फाउंडेशन को हम अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, फिर प्राइमर अप्लाई करते हैं, फिर जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारी फाउंडेशन का होता है। सो एज़ यूजुअल मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी, लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करूँगी और स्किन को प्राइम करूँगी, लाइक अपने टी जोन एरिया पर प्राइमर अप्लाई करूँगी। सो गाइज़, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कुछ इस तरह से दिखती है। इसका कैप मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ और इस फाउंडेशन का साइज़ भी अच्छा खासा ह्यूज है। और ये फाउंडेशन 50 ml की क्वांटिटी में आपको मिलती है और 1 ईयर का इसका एक्सपायरी, मतलब इसका टाइम होता है, लाइक 12 महीने तक आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरा शेड है LB। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूदली थिक है, फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। और इस फाउंडेशन में जो है वो सनस्क्रीन मौजूद है, विटामिन बी एंड विटामिन सी मौजूद है और ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है। सो अब मैं अपने हैंड के ऊपर एक पंप लूँगी और ब्यूटी स्पंज की हेल्प से, डैम्प ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इस फाउंडेशन को अपने फेस के ऊपर टैप टैप मोशन में अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये फाउंडेशन जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज़ मेरी स्किन ऑयली है तो ये मेरी स्किन के ऊपर भी काफ़ी ड्राई मुझे महसूस हो रही थी। और जिस तरह से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप मोशन में अप्लाई कर रही थी, तो जहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर को ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बार टैप टैप कर दूँ तो वहाँ से ये फाउंडेशन हटने लग रही थी। ठीक है, तो ये फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और ऑयली स्किन वाले भी बस अभी सब्र करें, आगे पूरा रिव्यू देख लें, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये फाउंडेशन आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने सेकंड पम्प मज़ीद लिया है और इससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ और टैप टैप मोशन में मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से फाउंडेशन को, अच्छा आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैं अपने नेल से इस तरह से भी स्किन के ऊपर कर रही थी तो वहाँ से भी ये फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी हट रही थी, मतलब मामूली सी लेकिन क्लीन हो रही थी वहाँ से भी। सो मैंने मज़ीद फाउंडेशन उस एरिया पर अपने लगाई है और मैं अपने फोरहेड को भी फाउंडेशन पर कवर अप करूँगी। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ये फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है और ये मेरी ऑयली स्किन के ऊपर भी ड्राई हो रही थी, पैची हो रही थी और जो मेरे फेस की स्माइल लाइन है उनके ऊपर भी क्रीज कर रही थी। और यहाँ पे मज़ीद मैं ये बात भी बता दूँ कि ये फाउंडेशन बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, ये फाउंडेशन बिल्कुल भी स्वेट प्रूफ नहीं है। ये फाउंडेशन मेरे पास काफ़ी मंथ से मौजूद है और मैंने इसको काफ़ी बार अप्लाई भी किया। गर्मियों में ये फाउंडेशन बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है तो ये वहाँ से रिमूव होने लग जाती है, लाइक जहाँ जहाँ आपका पसीना मतलब प्रोमिनेंट होगा वहाँ से ये फाउंडेशन रिमूव होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करने के बाद स्किन पे थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी ना ड्राई ड्राई सी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको फिंगर से मैं ब्लेंड करूँ, तो मैं इस तरह से फिंगर से इसको ना थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रही थी कि जहाँ जहाँ अगर ड्राई हो रही है तो वहाँ से ये सेट हो जाए। सो गाइज, अब मैं फाउंडेशन को सेट करूँगी पार्टी क्वीन के कॉम्पैक्ट पाउडर से। इस तरह से ब्रश से टैप टैप मोशन में मैं अपनी फाउंडेशन पे जो है वो पाउडर को प्लेस करूँगी, टैप करूँगी ताकि फाउंडेशन अच्छी तरह से फेस के ऊपर सेट हो जाए। अच्छा, फाउंडेशन को सेट करने के बाद मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये फाउंडेशन ना ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी है ना ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि ये फाउंडेशन मेरी स्किन के ऊपर ड्राई है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये कितनी ड्राई हो सकती है। ठीक है, और ऑयली स्किन वालों को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये फाउंडेशन वाटर प्रूफ नहीं है, स्वेट प्रूफ नहीं है। आप अगर ये फाउंडेशन लगा भी लेंगे और आपकी फेस के ऊपर स्वेटिंग होती है तो ये फाउंडेशन वहाँ से रिमूव होने लग जाएगी, तो फ़ायदा ऐसी फाउंडेशन को यूज़ करने का जो कुछ देर बाद पसीना आने की वजह से आपके फेस पे से हटने लग जाए। तो बहरहाल ये है कि हाँ, विंटर्स में आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फाउंडेशन है तो बेशक आप इसको विंटर में यूज़ करें क्योंकि विंटर्स में हमें स्वेटिंग नहीं होती, हमें इतना ज़्यादा पसीने का इशू नहीं होता विंटर्स में। सो विंटर्स में ये फाउंडेशन आपके फेस के ऊपर रह सकती है, आपके फेस के ऊपर टिक सकती है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है।
लेकिन समर्स में इस फाउंडेशन को लगाने की गलती मत कीजिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने इस फाउंडेशन को भुगता है और ये फाउंडेशन जो है वो फेस के ऊपर से रिमूव होने लग जाती है। सो गाइज़, यहाँ पे इस फाउंडेशन के साथ मेरा ये फाइनल मेकअप लुक है और ओवरऑल मेकअप लुक अच्छा लग रहा है। स्किन के ऊपर भी फाउंडेशन काफ़ी हद तक सेट हो गई है, लेकिन स्माइल्स लाइन में ये फाउंडेशन क्रीज कर रही है, स्माइल्स लाइन क्रिएट हो चुकी हैं इस फाउंडेशन से। आई नो कि कैमरे में शायद नहीं नज़र आ रहा हो, बट मुझे मिरर में नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर मैं ये बात भी मेंशन कर दूं कि इस फाउंडेशन का जो एक्सपायरी डेट है, लाइक 12 महीने बाद ये फाउंडेशन एक्सपायर हो जाती है। सो ये फाउंडेशन सिर्फ सर्दियों में ही अगर यूज़ करनी है तो अगली सर्दियों आने तक ये फाउंडेशन एक्सपायर हो चुकी होगी। तो 50 ml की इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी है फाउंडेशन की, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने इसको विंटर्स में ही यूज़ करने के काबिल बनाया है तो आप इसको पूरा ईयर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस फाउंडेशन की एक्सपायरी डेट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लाइक 2 से 3 साल तक तो आप एटलीस्ट इस फाउंडेशन को यूज़ करो, कम से कम भी 2 साल तो यूज़ करना चाहिए, मतलब इतनी डेट तो होनी चाहिए फाउंडेशन की।